पेंडोरा पेपर लीक में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बहू और सांसद दुष्यंत सिंह की पत्नी निहारिका राजे का नाम आने के बाद राजे परिवार पर कई तरह के सवालिया निशान खड़े होना शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व जिला अध्यक्ष रघुराज सिंह हाड़ा ने भी राजे परिवार पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पेंडोरा पेपर लीक में मध्य अमरीकी देश बेवीन की फर्म ऑक्टेविसा लिमिटेड में निहारिका राजे को रेंडर ओवरसीज द्वारा बोनस व डिविडेंड के लाभार्थी बताए जाने से राजवंशों व जागीरदारों के प्रति मतदाताओं के विश्वास व श्रद्धा को गंभीर ठेस लगी है। उन्होंने कहा है कि सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा अपने चुनावी प्रपत्रों में उक्त फर्म की जानकारी छुपाना निर्वाचन अपराध की धारा 125 क के अंतर्गत 6 माह का कारावास आधार बनता है तथा हाईकोर्ट में उनके निर्वाचन को शून्य भी घोषित किया जा सकता है। यानी कि रघुराज सिंह हाड़ा के अनुसार पेंडोरा पेपर लीक में निहारिका राजे का नाम आने के बाद दुष्यंत सिंह की सांसद की कुर्सी जा सकती है, साथ ही उनको जानकारी छुपाने के अपराध में 6 महीने की कारावास भी हो सकती है। उसमें अपना पता तो यहाँ झालावाड़ का दिया है, लेकिन उनके मालिकाना हक में सिंधिया पोर्टरीज हैं लेखा विहार सरोजनी नगर दिल्ली में, जहां का पता श्रीमती निहारिका ने दिया है और निहारिका जी का नाम निकला है पेंडोरा पेपर लीक्स के अंदर। और उससे जो झालावाड़ का और राजस्थान का मतदाता है उसके इस विश्वास को बहुत बड़ा धक्का लगा है कि राजवंश के लोग, जागीरदार और इवन सामान्य राजपूत भी वो बेईमान नहीं हो सकते, वो शराबखोरी कर सकते हैं, वो और किसी प्रपंच में हो सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का जो है उस इमेज को लगा है, राजवंशों की इमेज को। और आप ये देखिए कि इन्होंने जो दर्शाया है श्रीमती राजे ने अपने 2018 के चुनावी प्रपत्र के अंदर, उसमें उन्होंने नियंत हेरिटेज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के भी 3280 शेयर्स उन्होंने बताए हैं कि वो उसकी वो मालिक हैं। अब ये वही नियंत हेरिटेज है जिसको श्री ललित मोदी ने उसके शेयर्स खरीदे थे छिड़ में 1,000 रुपया प्रति शेयर का प्रीमियम देके, 11.81 करोड़ रुपए के अंदर ये शेयर खरीदे गए थे। और जब DRI ने इंक्वायरी करी तो ये मालूम पड़ा कि ये जो ललित मोदी का आनंद हेरिटेज होटल प्राइवेट लिमिटेड है जिससे ये भुगतान हुआ है, उसको मॉरिशस की विल्सन इन्वेस्टमेंट से 21 करोड़ रुपए आया और उस 21 करोड़ रुपए में से इन्होंने श्रीमती वसुंधरा राजे को ये पेमेंट किए हैं। तो ये दोनों मामले जो ये पनामा का क्षेत्र है, वो बेवीन नाम का देश है जिसको टैक्स हेवन कहा जाता है, और पेंडोरा पेपर्स ने जो खुलासा किया है कि ये ऑक्टेविशा लिमिटेड नाम की फर्म है जिससे कि श्रीमती निहारिका को डिविडेंड भी मिला है और उसको बोनस भी मिला है। तो ये वो तो एकमात्र प्रतिनिधि है उनके, तो ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि उनकी वो उस बीमारी की हालत में है, लेकिन वो प्रतिनिधि तो श्रीमती राजे की और श्री दुष्यंत सिंह की है। मैंने इसमें बताया है कि श्री दुष्यंत सिंह ने ये जानकारी जो 3 चुनावों से छुपाई है वो एक आपराधिक कृत्य है, 6 महीने की सजा हो सकती है और हाईकोर्ट के अंदर अगर चैलेंज किया जाए तो उनका चुनाव शून्य घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा हम उनसे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि आप इस बात का स्पष्टीकरण दें कि आपने लंदन की कोर्ट में ललित मोदी जिसको भगोड़ा घोषित किया हुआ है उसके पक्ष में आपने 18 अगस्त 2011 को 7 पेज का एक हस्ताक्षरित आपने बयान दिया है जिससे कि उसको यहाँ की, क्योंकि भगोड़ा था, यहाँ का पासपोर्ट रद्द हो चुका था, उसके पेपर्स लंदन के अंदर बने हैं उसके ग्राउंड पे, और ये कहा है कि ये भारतीय मीडिया को ये पेपर नहीं बताया जाए, लेकिन खुद ललित मोदी ने जो है इंडिया टीवी को इंटरव्यू देते समय अपनी बात बता दी कि उन्होंने दिया है ये मेरे हक के अंदर। तो हम चाहते हैं कि श्रीमती वसुंधरा राजे और यहाँ की BJP इस बात का स्पष्टीकरण दें इन तीनों मामलों के अंदर, चाहे वो निहंत हेरिटेज हो, चाहे वो ये वर्तमान निहारिका राजे के नाम पर जो फर्म है उसमें उनका लाभांश है, और ये जो बयान दिया है
श्रीमती राजे ने ब्रिटिश अदालत के अंदर, उसके बारे में बीजेपी क्या कहना चाहती है। और ये निस्संदेह झालरापाटन के मतदाताओं के साथ धोखा है। राजवंशों को हमारे यहाँ पर आम तौर पर ईमानदार समझा जाता रहा है और इस ईमानदारी के लिए, चाहे मध्य प्रदेश हमारा सटा हुआ मध्य प्रदेश का क्षेत्र भी है, वहां भी इनकी इमेज ये है कि कम से कम ये बेईमान तो नहीं होंगी। तो उस इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है और हम चाहते हैं कि श्रीमती राजे इसके लिए स्पष्टीकरण दें।